हेलो गाइस गाइस, आप सभी का काफ़ी सारा डिमांड था, काफ़ी लोगों का डिमांड था कि भाई आप हमें प्लीज़ ये बताएं कि हम एक यूनिक टीम कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमें काफ़ी सारा प्रॉफिट हो एंड हम फर्स्ट रैंक पर आ जाए। दोस्तों, आप ही लोगों के डिमांड के हिसाब से दोस्तों मैंने वीडियो लेकर आया हूँ। गाइस, जिनको पता नहीं है, गाइस मैं बता दूँ कि दोस्तों मैं पिछले 3 साल उस फैंटेसी क्रिकेट में खेल रहा हूँ एंड दोस्तों इन 3 सालों में दोस्तों मैंने काफ़ी सारे मैचेस खेला है, चाहे वो ग्रैंड लीग हो, स्मॉल लीग हो, मेगा लीग हो, 3-4 मेंबर का लीग हो, मैंने पूरा लीग खेला है एंड दोस्तों इन 3 सालों दोस्तों काफ़ी सारे मैंने मैच खेला है एंड दोस्तों काफ़ी सारे विनिंग्स भी किया है। अब दोस्तों कितना मैंने विनिंग किया दोस्तों मैं शेयर आपके साथ नहीं कर सकता दोस्तों, ये क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ है, बट दोस्तों काफ़ी विनिंग किया है एंड दोस्तों इस मतलब कि जो मेरा सफ़र रहा 3 साल में, मैंने काफ़ी कुछ दोस्तों सीखा है ड्रीम इलेवन से, काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स को मैंने यहाँ पर फाइंड किया है एंड दोस्तों उसी टिप्स एंड ट्रिक्स दोस्तों मैं आपको आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा जिससे कि आप लोग अगर अप्लाई करते हो अपने टीम में तो फ्रेंड्स आपका चांस 100% होता है कि आपका फर्स्ट रैंक आएगा एंड आप वहां पर ग्रैंड लीग को विन कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो गाइस चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए फ्रेंड्स आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, यूनिक टीम का मतलब क्या हुआ। गाइज, जब भी आप लोग ग्रैंड लीग को ज्वाइन करते हो तो फ्रेंड्स वहाँ पर 3 लाख स्पोर्ट्स, 2 लाख स्पोर्ट्स, 2.5 लाख स्पोर्ट्स रहते हैं एंड दोस्तों जो वहाँ पर विन करता है ग्रैंड लीग को तो वहाँ पर आपको देखेगा जो रैंक 1 है फिर रैंक 2 आता है तो उसका जो टीम होता है सबसे यूनिक होता है, सबसे अलग टीम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं जिससे कि 2 लाख 3 लाख बंदों में से भी उनका सिर्फ अलग टीम बनता है, अलग यूनिक टीम बनता है एंड वो लोग वहाँ पर ग्रैंड लीग को विन कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं यही इससे के बारे में बताऊंगा, तो फ्रेंड्स ध्यान से देखना वीडियो को और ध्यान से समझना। ठीक है, तो गाइस देखिए बात करें हमारी नंबर वन ट्रिक की, तो गाइस नंबर वन ट्रिक यही है कि दोस्तों आप भी जब भी आप टीम बनाए ना तो सिलेक्शन के आधार पर कभी मत जाओ। दोस्तों मेन होता है सिलेक्शन और बिग प्लेयर्स, दोस्तों ये बहुत बड़ा मैटर करता है। काफ़ी लोग देखते हैं कि बिग प्लेयर्स के पीछे भागते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स रोहित शर्मा, विराट कोहली, डी विलियर्स, फाफडू प्लेसिस के पीछे भागते हैं। तो आपको इस तरह से बड़े बड़े प्लेयर्स के पीछे नहीं भागना है, ना ही आपको सिलेक्शन के पीछे भागना है कि इस प्लेयर का सिलेक्शन कितना परसेंटेज है। आपको यहाँ पर यह देखना है कि कौन सा प्लेयर फॉर्म कैसा चल रहा है अभी। जैसे एग्जांपल देखिए तो रोहित शर्मा फॉर्म अभी खराब चल रहा है T20 में, विराट कोहली का भी फॉर्म अभी तक खराब ही चल रहा है। तो भले उनका फॉर्म खराब हो लेकिन सिलेक्शन उनका 90% 80% सिलेक्शन रहेगा, बट फॉर्म खराब चल रहा है। तो आपको यही देखना है कि सिलेक्शन कितना है, आपको फॉर्म देखना है एंड पिछले 5 मैच का रिकॉर्ड्स देखना है। अगर T20 का है T20 का रिकॉर्ड देखिए, वनडे का है तो वनडे का रिकॉर्ड देखिए। ऐसा नहीं कि T20 खेल रहा है, वनडे का रिकॉर्ड देखा मैंने और पूरा भी रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ 5 मैच का रिकॉर्ड देखना है, पिछले 5 मैच में उसने कैसा किया था, साथ में जिस ग्राउंड पर ये मैच हो रहा उस ग्राउंड का भी रिकॉर्ड देखना कि इस ग्राउंड पर इस प्लेयर का रिकॉर्ड कैसा है। कितना बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, अगर उस प्लेयर का रिकॉर्ड अच्छा है तो अपने टीम में लीजिए, अगर आप उसका प्लेयर उसका मतलब कि परफॉर्मेंस खराब है इस ग्राउंड पर तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल आप बेफिक्र होकर छोड़ दीजिए, आप सिलेक्शन के पीछे मत जाइए। जो सबसे बड़ा फंडा यहाँ पर यही है, प्लेयर सिलेक्शन तो यही है। सेकंड जो ट्रिक है कि प्लेयर्स कॉम्बिनेशन। दोस्तों आप लोग जब भी ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो प्लेयर्स कॉम्बिनेशन आप लोग नहीं कर पाते हो। अब प्लेयर्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दूँ। गाइस देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि 5-6 बैट्समैन ही ले लेंगे, बॉलर्स एक ही लेंगे, ऑलराउंडर्स एक ही लेंगे, विकेट कीपर एक ही लेंगे, यानी कि बैट्समैन 6 लेंगे और एक एक विकेट कीपर एक एक बॉलर इस तरह से लेंगे। तो ये प्लेयर कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। प्लेयर कॉम्बिनेशन का मतलब आपको सोचना है कि कौन सा बंदा ओपन करेगा तो अच्छा करेगा, फिर मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, ऑलराउंडर में कौन खेलेगा, बॉलिंग कौन करेगा, आप पूरा कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। विकेट कीपर चुन लेना है, 1-2-3-4 बैट्समैन चुन लेना है, ऑलराउंडर्स भी साथ में ले लेना है, बॉलर्स भी ले लेना है, यानी कि बैलेंस टीम आपको कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। उसमें भी आपको ध्यान देना है कि किसका फॉर्म कितना अच्छा है और उस ग्राउंड पर किसका रिकॉर्ड कैसा है, ये भी आपको अच्छे से देख लेना है ध्यान से। और प्लेयर कॉम्बिनेशन दोस्तों बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, थर्ड दोस्तों जो कैप्टन वाइस कैप्टन, दोस्तों अगर आपको टीम कितना भी अच्छा हो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको नहीं चलता है तो आप वहाँ पर लॉस कर जाओगे। तो गाइस कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर 90% लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि जिसका सिलेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है उसको कैप्टन चुन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर रोहित शर्मा कैप्टन है, सॉरी रोहित शर्मा अगर टीम में है तो 90% लोग कैप्टन रोहित शर्मा को ही लेंगे, 10% लोग ही अलग को लेंगे एंड अगर मान लीजिए रोहित शर्मा उसमें फ्लॉप कर गया तो आपको तो भाई पैसा डूब गया। तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में सिलेक्शन के ऊपर नहीं भागना है, आपको यहाँ पर यह देखना है कि उस ग्राउंड पर कौन सा प्लेयर का अच्छा रिकॉर्ड है। अगर बॉलर्स का तो बॉलर को भी लगा सकते हो, उसमें कोई झिझक की बात नहीं है, आप बिल्कुल लगाओ, तभी तो आपका यूनिट टीम कहलाएगा ना। अगर सारे लोग रोहित शर्मा को कैप्टन बनाएंगे और उसमें से आप भी बनाओगे तो आपका यूनिट टीम कहाँ से हो। यूनिट टीम का मतलब वो सब टीम से आपको अलग टीम होना चाहिए। तो
तो आपको ऐसा कैप्टन बनाना है जो कि सिलेक्शन काफी कम हो एंड आपको देखना है कि उसका रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड अच्छा लगता है चाहे वो बॉलर ही क्यों ना हो, भले उसका सिलेक्शन काफी कम हो कैप्टन, लेकिन अगर बॉलर है एंड उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उस ग्राउंड पर या फिर लास्ट कुछ मैचों में, तो आपको उसको कैप्टन धारक सिंह ना लेना है, ठीक है। और वाइस कैप्टन भी आपको वैसे ही देखना है सिलेक्शन कैसा है, सॉरी सिलेक्शन नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है पिछले 5 मैच का या फिर उस ग्राउंड पर सिलेक्शन कैसा है, आपको ये सब देख लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। आपको सिलेक्शन के पीछे मत नहीं भागना, आपको फॉर्म के पीछे, आपको उसके परफॉर्मेंस के पीछे और ग्राउंड कैसा उसके पीछे आपको यहाँ पर भागना है, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों, आपको यहाँ पर पिच रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है गाइस। अगर आप कुछ भी कर लो पिच रिपोर्ट अगर सही से आप लोग एनालाइज नहीं कर पाओगे तो आप यहाँ पर टीम नहीं बना पाओगे। अब पिच रिपोर्ट कई लोग क्या करते हैं, कैसे देखते हैं, सिर्फ जाएंगे गूगल सर्च कर लेंगे पिच रिपोर्ट कैसे सकते हैं, यहाँ पर लिखेगा बैटिंग पिच है बॉलिंग पिच है, इस तरह से पिच रिपोर्ट नहीं देखा जाता है। आपको यहाँ पर देखना है जैसे मैच स्टार्ट होगा तो कई बार आप लोग देखते हैं जैसे मैच स्टार्ट हो गया तो मैच चल रहा है फिर बाद में क्या पिच स्लो हो जाता है, जब पिच स्लो होता है स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, तो आपको लगता है बैटिंग पिच है तो स्टार्टिंग बैटिंग करना आसान होता है 5-10 ओवर तक, उसके बाद में 10 ओवर के बाद में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। तो आप लोग क्या करते हो, बैटिंग पिच है तो बैट्समैन को ले लोगे, फास्ट बॉलर्स को ले लोगे, आप लोग स्पिनर को नहीं लोगे, तो आपको इस तरह से नहीं करना है। पिच रिपोर्ट पूरा देखना है, ये पिच धीमा रहेगा बाद में स्टार्टिंग में धीमा रहेगा कोई बाद में अच्छा होता है, कोई पिच ऐसा होता है कि पहले ठीक रहता है बाद में धीमा होता है, आपको ये सब पूरा तरह से ध्यान देकर पिच रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, उसके बाद टीम को अपने चूज करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5th ऐसे कुछ है फ्रेंड्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर ना आप लोग कभी कभी न्यू प्लेयर्स पर रिस्क लिया कीजिए, जो नए नए टीम में आए हैं उस पर रिस्क लीजिए। आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो कहाँ से विन कर पाओगे। कम से कम 3-4 प्लेयर्स पर रिस्क लीजिए एंड उसी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स नहीं चलते हैं और छोटे प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कर देते हैं एंड वही लोग आपको ग्रैंड को विन करवा के दे सकते हैं। सिलेक्शन के पीछे कई मत भागना दोस्तों, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो कभी विन नहीं कर पाओगे सिलेक्शन के पीछे भागी हो तो, ठीक है। तो कम प्लेयर्स सॉरी न्यू प्लेयर्स जो है सिलेक्शन काफ़ी कम है उसके ऊपर आप रिस्क लीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, तो आपका टीम यूनिक सबसे अलग बनेगा, ठीक है। तो गाइज ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप यूनिक टीम बना सकते हो। गाइज आप ना इस टिप्स एंड ट्रिक्स को पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करो और टीम लगाओ, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि हाँ भाई आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे दिया उससे आपको फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप खुद ब खुद मुझे कमेंट कर लो कि हाँ भाई इससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ है एंड मैंने काफ़ी इसे विन भी किया। एक बार अप्लाई करना जरूर और तब जाकर मुझे आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, बाद में उसके बाद ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर चलिए आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर मुझे मैसेज कीजिए वहाँ पर, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।